कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टरों को बड़ी कामयाबी मिली है। ईएनटी न्यूरो सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग ने मिलकर दो मरीजों के ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन किए। डॉक्टरों की सफलता यह है कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नाक के द्वारा बिना चीर फाड़ के हुआ। दोनों ऑपरेशन अलग अलग दिन 4 घंटे में सफल तरीके से पूरे किए गए। फिलहाल दोनों मरीज आईसीयू में हैं और रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक दोनों मरीज ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे, जिसका असर दोनों मरीजों की आँख की रोशनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। दोनों मरीजों की उम्र 50 साल से कम है। इस तरह का सफल ऑपरेशन कुमाऊं में पहली बार हुआ है, जिससे डॉक्टर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। न्यूरो सर्जरी का बहुत हमने बहुत अच्छी ऑपरेशन करा, जो कि मतलब काफ़ी डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। इसमें ईएनटी और न्यूरो सर्जन को मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर ऑपरेट करना पड़ता है। और ये पिट्यूटरी एडिनोमा था, जिसको बोलते हैं जो एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जो कि नाक के ऊपर स्फेनॉइड साइनस होता है, साइनस के ऊपर पिट्यूटरी होता है। तो वो जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है हमारा, वो ग्रंथि बहुत छोटी सी होती है और सब कंट्रोल वहीं से होता है। तो वो जो गांठ थी वो वहीं पर थी, और इसको जो मरीज हमारे पास आया उसे मेन कॉम्प्लिकेशन सर दर्द और विजन, जो आँख की रोशनी उसकी बिल्कुल बहुत ही कम हो गई थी। तो हमने दो तरीके से ऑपरेशन होते हैं। एक तो पहले जो पहले आज से 10-20 साल पहले पूरा ब्रेन खोलकर जाते थे, जिससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती थी, पेशेंट कई बार आता ही नहीं था, आउट ही नहीं आता था। अब जो रिसेंट एडवांसेज हैं कि ये नाक के थ्रू अपन एक हड्डी तोड़नी होती है, सीधा हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे पहुंच जाते हैं। तो वही हमने इस बार किया, ईएनटी सर ने हमें वहां तक पहुंचा दिया जहाँ ग्रंथि तक, और फिर हमने पिट्यूटरी जो गांठ थी उसको निकाल दिया। अभी डॉक्टर अभिषेक राव तिवारी में दो मरीज ऐसे जो न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा भर्ती किए गए, जिनकी डायग्नोसिस के दौरान पता चला कि इनको एक ट्यूमर है, ब्रेन का ट्यूमर, जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं, जिसमें मरीज को खासतौर पर परेशानी जो होती है सर दर्द, दौरे पड़ने के साथ साथ आँख की रोशनी पर बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बताया न्यूरो सर्जन ने, धीरे धीरे उसकी आँख की रोशनी में कमी आती जा रही थी। ये चूंकि मरीज पहाड़ों में थे, जब यहाँ पर डायग्नोसिस हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि इस सर्जरी को संपन्न करना है, जिसमें न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा, ईएनटी विभाग द्वारा और एनेस्थीजिया विभाग के कोलेब्रेशन से इस सर्जरी को हम लोगों ने संपन्न किया है। पहली सर्जरी बृहस्पतिवार को किया गया, जो कि अब मरीज आईसीयू से लगभग बाहर निकलने की स्थिति में आ गया है। अभी चूंकि ऑब्जर्वेशन में रखना है, तो इसलिए हमने अभी आईसीयू में रख रखा है। पेशेंट बातचीत कर रहा है, धीरे धीरे उसकी रिकवरी हो रही है। एक सर्जरी कल शुक्रवार को संपन्न हुआ। ये दोनों सर्जरी में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगा। ये बहुत जटिल ऑपरेशनों में होता है। ये सुशीला तिवारी क्या, ये कुमाऊं रीजन में पहला ऑपरेशन हुआ है जो नाक के विधि द्वारा ब्रेन के ट्यूमर्स को निकाला गया है। इसमें मरीज को सबसे अच्छी बात है कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होने की संभावना रहती है, और साथ में कोई भी चीरा या बाहरी चीरा इसमें नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जटिल ऑपरेशनों की तरफ सुशीला तिवारी निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसमें सरकार का योगदान बहुत ज़्यादा है। आयुष्मान की योजनाएं हम पूर्ण रूप से लागू कर रहे हैं। ये दोनों मरीज नहायती गरीब, और इनको आयुष्मान के अंतर्गत ही हमें जो है इन सर्जरीज को किया गया है। इनमें कुछ सामान ऐसा भी था कि जो हमें बाहर से भी मंगाना पड़ा, लेकिन सरकार के द्वारा ही उन्हीं के क्रय पे इनको मंगाया गया। आंखों की प्रॉब्लम थी, 6 महीने से आंखों की प्रॉब्लम थी। पिथौरागढ़ लेके गई थी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से रिफेयर कराया हल्द्वानी से रिफेयर कराने के बाद यहाँ से भी मतलब 1 महीने के बाद मुझे रिफेयर करवाने वाले थे किसी भैया, मतलब थ्रो पत्रकार भैया की वजह से यहाँ पे उनका एडमिट किया गया है। ऑपरेशन भी हो गया है और मतलब बहुत अच्छे तरीके से।